दोस्तों, जब से राधे मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है तब से इस फिल्म को लेकर, इस फिल्म के सॉन्ग को लेकर, इस फिल्म के मोशन पोस्टर को लेकर, इस फिल्म के टीजर को लेकर, इन सभी चीजों पर मीडिया में सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी हुई है। वहीं इन दिनों सलमान भाईजान एक सॉन्ग पर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और उसके सॉन्ग के लोकेशन की रेकी की जा रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। जी हाँ, इस फिल्म में कई सारी ऐसी बातें हैं जिससे ये फिल्म काफी बड़ी फिल्म साबित हो सकती है, एडॉप्शन ऑफ ए स्टाइलिश थ्रिलर मूवी, क्योंकि ये फिल्म जो है सो स्टाइलिश थ्रिलर मूवी है, ये सबसे बड़ी कारण है। उससे भी सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें हिमेश रेशमिया का दो सॉन्ग आने वाला है। जी हाँ, हिमेश रेशमिया इसमें दो सॉन्ग देंगे जो कि रोमांटिक ट्रैक वाला सॉन्ग हो सकता है। अगर बात कर ली जाए तो इसमें खुद सलमान भाईजान एक परफेक्ट करेक्टर में है, एकदम कमाल के लुक में है। और वहीं तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में जो आपको जो विलन है वो रणदीप हुड्डा एज ए मेन विलन के तौर पे आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। वहीं आप लोग ये भी जानते होंगे कि किसी फिल्म में डायलॉग काफी ज्यादा मायने रखता है, तो डायलॉग जो है सो विजय मौर्या ने लिखा है और जो कि गली बॉय में उन्होंने काफी अच्छे डायलॉग्स लिखे थे और काफी ज्यादा उनके डायलॉग्स फेमस भी हुए थे। तो बिल्कुल दोस्तों, विजय मौर्या इसमें अपना डायलॉग दे रहे हैं, तो इस तरह से ये फिल्म काफी बड़ी फिल्म तो साबित होगी ही। साथ ही काफी समय के बाद सलमान भाईजान के साथ हिमेश रेशमिया काम करने जा रहे हैं, तो ऐसे में इसमें जो दो सॉन्ग होगा वो काफी लाजवाब होगा। और इसमें ये जो सॉन्ग होगा वो होगा लव सॉन्ग हो सकता है, रोमांटिक ट्रैक वाला सॉन्ग शूट किया जा सकता है और उस पर भी कई सारे ऐसे सॉन्ग आ सकते हैं जो कि काफी कमाल के होंगे। तो दोस्तों, अब हिमेश रेशमिया किस तरह के सॉन्ग लेके आते हैं वो देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे दोस्तों, इन दिनों इसके सॉन्ग के लोकेशन की रैकी की जा रही थी, तो दोस्तों इसके शूट भी चल रहे थे। सलमान भाईजान इसके नाइट मोड वाला बहुत सारा सीन जो है सो इसके पोर्टफोलियो शूट कर चुके हैं। तो दोस्तों, फाइनली इसका सॉन्ग जो है बहुत ही जल्द आप लोग के सामने आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों बताते हैं कि 110 दिन के शेड्यूल में महज 42 दिन के शेड्यूल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत ही कम टाइम में इसके सारे शेड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे और जिस तरह से इसकी शेड्यूल्स बारीकी से बढ़ती जा रही है, इसकी शूटिंग बढ़ती जा रही है तेजी से, उस मुताबिक ये फिल्म के नए पोस्टर्स हो या इस फिल्म का गाना का नया लुक हो आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाला है। दिशा पाटनी हो, सलमान भाईजान एक साथ आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है इस फिल्म को लेकर और आपको इस फिल्म के गाने को लेकर क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।